हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस और आज मैं मेरे तीन मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बट बिफोर आई जंप इन टू प्रोडक्ट डिटेल्स एंड रिव्यू अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट पहला फेवरेट प्रोडक्ट है सूडो क्रीम ना सूडो क्रीम इज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम इट ट्रीट्स एट प्रॉब्लम्स जैसे कि नेपी रैश जिसे हम डाइपर रैश भी कहते हैं uh, एक्जेमा सरफेस वून्स सनबर्न माइनर बर्न एक्ने बेड सोर्स एंड चिल्ब्लेंस तो ये आठ तरह की जो प्रॉब्लम है ये एक ही क्रीम सॉल्व कर देगा नाउ दिस क्रीम इज़ नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल थिंग्स मतलब नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से ये नहीं बना है तो मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगी बट दिस इज़ अ सुपर क्रीम Uh, मैं इसे तब से यूज़ कर रही हूँ जब मेरी बेबी बॉर्न हुई थी uh, जब वो बॉर्न हुई थी आई वाज नॉट वेरी श्योर कि कौन सा नैपी रैश क्रीम या डायपर रैश क्रीम यूज़ करना चाहिए विच इज़ द बेस्ट क्रीम या कौन से क्रीम लगाने से डायपर रैश जो है वो इफ़ेक्टिव होता है या चला जाता है सो समी रिकमेंडेड मी सजेस्टेड मी कि आप सूडो क्रीम यूज़ करो ये अच्छा क्रीम है एंड आई स्टार्टिड यूजिंग दिस क्रीम एंड आई फेल एन लव विद दिस सूडो क्रीम कभी कभी मेरे डॉक्टर को रैशेज़ हो जाते हैं ड्यू टू तो प्रोलोंग यूज ऑफ डाइपर्स मैं फिर ये क्रीम लगा देती हूँ एंड नेक्स्ट डे इट्स सेल्फ रैशेज गायब हाउएवर रैशेज़ जो है वो छोटे छोटे होते हैं आई कीप डेली चेक कि उसे रैशेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं अगर हो रहा होता है तो मैं ये क्रीम लगा देती हूँ uh, उसके अलावा थोड़े बहुत जो है यू नो डाइपर फ्री टाइम जो देना रहता है वो भी देती हूँ बट ऐसे नहीं कि पूरे ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए मैं डाइपर uh, नहीं पहनाती थी मैं डाइपर भी पहनाती थी साथ ही ये क्रीम भी लगाती थी और उसे डाइपर फ्री टाइम भी देती थी तो ये सारे चीज़ें करने के बाद यू नो नेक्स्ट डे रैशेज़ गायब सो इट रियली वर्क्स लाइक अ मैजिक ना द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ सिक्स फिफ्टी रुपीज़ फॉर वन ट्वेंटी फाइव ग्राम आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये yes, अगर कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है बट ट्रस्ट मी ईच पेनी इज़ वर्थ दी क्रीम मतलब पैसा वसूल है एंड आई ऑल्सो रिमेंबर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ख़रीदा था एज़ यू नो कि मेरी बेबी जब बॉर्न हुई थी तब मैंने ये ख़रीदा था और ये 125 ग्राम का मैंने एक पैक लिया था जो सिक्स मंथ तक चला था छः महीने तक एक डब्बा चलना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है आप अगर कोई सस्ता या ठीक ठाक वाला डायपर आइश क्रीम भी अगर लेते हो तो वन फिफ्टी का डायपर आइश क्रीम मिलेगा एक महीने तक शायद वो चल जाए तो अगर आप ये कंपेयर करो सिक्स फिफ्टी रुपीज़ फॉर सिक्स मंथ तो महीने भर के हिसाब से तो ये ठीक ही है सो आई विल से कि आप इस क्रीम पे प्लीज़ प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए ये बहुत अच्छा क्रीम है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डाइपर रैश क्रीम तो आप ये लीजिए और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बीच में ऐसा हुआ था कि ये क्रीम जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया था ऑफ़लाइन uh, भी एंड ऑनलाइन uh, भी मतलब मार्केट में भी मिल नहीं रहा था और ऑनलाइन भी मिल नहीं रहा था तब मैंने दूसरा कोई क्रीम स्विच किया था बट एज सुन वो मार्केट में जैसे ही अवेलेबल uh, हो गया ये क्रीम जैसे ही अवेलेबल हो गया मैंने तुरंत ही परचेज किया आई सीरियसली लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ दैट इफ़ेक्टिव बिफोर आई जम्प टू दी अदर प्रोडक्ट मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी बता देती हूँ सो so, uh, अगर आप कोई नॉर्मल एंटीसेप्टिक क्रीम भी अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी है ठीक है क्रीम बेस्ड है एंड आप जैसे ही इसे लगाओगे इट गेट्स ईजिली एब्ज़ॉर्ब ऐसा नहीं है कि क्रीम का एक लेयर जो है वो ऊपर स्किन में दिखाई देगा वैसा नहीं है इट इज़ ईजिलीली एब्जॉर्ब टू बेबीज स्किन चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे तो मेरा नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट है हिमालय प्रिकली हीट बेबी पाउडर सो बिफोर आई गिव माई रिव्यू इसके प्रोडक्ट डिटेल्स बता देती हूँ तो इसके इन्ग्रीडियंट्स uh, है यशद भस्मा uh, जो स्वेट जो होता है पसीना जो होता है उसे कम करने में हेल्प करता है और इरीटेटेड स्किन मतलब यू नो रैशेज होने की वजह से जलन होती है इचिंग होती है तो वो स्किन जो इरीटेटेड स्किन है उसे आराम देता है देन करंजा इचिंग uh, को जो है वो कम करता है खुश खुश uh, महकाता है खुशबू आती है उससे नीम नीम तो हमें पता ही है इट इज़ अ मेडिसिन टू अस तो इसमें नीम भी है जो स्किन इन्फेक्शन के जो प्रॉब्लम्स है उसे ये सॉल्व करता है uh, इसके अलावा जो है इट इज़ फ्री फ्रॉम पैराबेंस पैलेट्स एंड सिंथेटिक कलर्स इट इज़ क्लिनिकली टेस्टेड सो इट इज़ जेंटल फॉर बेबीज सो दीज आर दी प्रोडक्ट डिटेल्स अब बड़े यू नो अडल्ट के लिए काफ़ी सारे आपको प्रिकली हीट पाउडर या फिर घमोरियों के लिए जो है वो आपको पाउडर मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे पर जो छोटे बेबीज़ है टाइनी लिटल वंस उनके लिए प्रिकली हीट पाउडर अवेलेबल नहीं है टालकम पाउडर है बट स्पेसिफ़िकली प्रिकली हीट पाउडर अवेलेबल इतना नहीं है एज़ फार एज़ आप कोई डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लो सो हैज़ डिज़ाइंड यू नो पर्टिकुलरली प्रिकली हीट पाउडर जो समर्स में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उन्होंने वो डिजाइन किया है छोटे बेबीज को घमोरिया या फिर रैशेज हो जाते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए आप ये पाउडर लगा सकते हो हिमालय के मुझे और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि दे हैव यू नो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू सीज़न जैसे उनके कुछ सोप्स है जो समर आइडियल uh, होते हैं कोई विंटर रिलेटेड है कि आप विंटर्स में उसे यूज कर सकते हो कोई सेंसिटिव स्किन का अगर uh, बेबी है तो आप वो सोप यूज कर हो। दे हैव केटर्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स सो कमिंग टू प्रिकली हीट पाउडर्स ये समर में आपके घर में होना ही चाहिए न क्रीम क्या होता है बहुत बार हम क्रीम लगा देते हैं तो यू नो स्वेट प्रोड्यूस करता है देन uh, उसी की वजह से स्किन इरीटेशन या फिर राशेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बट हवेवर जो क्रीम या मॉइस्चराइज़र बोल लीजिए या लोशन बोल लीजिए वो बहुत ज़रूरी है एक बेबी के स्किन के लिए भी बिकॉज़ बेबी का स्किन काफ़ी सेंसिटिव होता है तो दे नीड ऑल टाइप ऑफ केयर तो आप लोशन जो है आप चाहो तो उसे रात में लगा सकते हैं सोने से पहले सो दैट यू नो वो बाहर घूमेगा नहीं एक्टिव नहीं रहेगा तो पसीना स्वेट जो है वो प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं साथ ही वो पंखे के नीचे रहेगा एसी चालू रहेगा तो आप चाहो तो तभी आप उसे लोशन लगा सकते हो और uh, जो पाउडर है आप वो दिन में यूज़ कीजिए नहाने के बाद शाम को जब भी आपको लगे आपको यूज़ करना चाहिए आप पाउडर दिन में यूज़ कीजिए uh, मैं और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि प्रिकली हीट पाउडर जो है आप 12 महीने यूज़ कर सकते हैं 365 सिक्सटी डेज़ आप यूज़ कीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं कि सिर्फ समर्स में यूज़ करना है और आप विंटर्स या रेनी सीजन में आप यूज़ नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है सो देर इज़ नो नीड टू कैरी टू टाइप ऑफ पाउडर की एक नॉर्मल पाउडर है एक प्रिकली हीट पाउडर है आप चाहो तो दो अलग भी रख सकते हैं ये आपका कॉल है बट आप चाहो तो एक पाउडर भी रख सकते हैं और पूरा साल जो है आप एक ही पाउडर यूज़ कर सकते हैं प्राइस इसका मैं बता देती हूँ प्राइस इसका है वन फोर्टी फाइव रुपीज़ एम इसका वन फोटी फाइव है टू हंड्रेड ग्राम्स का नाउ प्रिकली हीट पाउडर जो है ना कोई छोटे पैक में आता है ना इससे बड़े पैक में आता है ये 200 हंड्रेड ग्राम्स के पैक में ही आता है एम आर पी वन फोर्टी फाइव सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड प्रोडक्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट हिमालय कैलिमैंड सूदिंग बेबी लोशन नाव इसके पहले मैं प्रोडक्ट डिटेल्स बता देती हूँ इसमें तीन चीज़ है वन इज़ मस्टर्ड ऑयल नट ग्रास एंड एलोवेरा ये तीन चीज़ों से ये लोशन बना है बेसिकली ये तीन मेन इन्ग्रीडियंट्स है ना इट रिलीज रैशेज़ एंड इचिंग जो प्रिकली हीट मतलब घमोरिया होते हैं उसकी वजह से जो इचिंग होते हैं जो रैशेज़ होते हैं उसमें ये आराम देगा साथ ही हाइज एंड इंसेक्ट बाइट मतलब अगर बाई चांस मच्छर चीटिया वगैरह अगर काट लेती है उसकी वजह से अगर इचिंग होती है तब भी आप ये लोशन लगा सकते हो ये उसे आराम देगा ठीक है इसके अलावा इट इज़ फ्री फ्रॉम पैराबिंस मिनरल ऑयल एंड फिलेट्स क्लिनिकली टेस्टेड एंड इट इज सेफ फॉर बेबीज नाउ कमिंग टू रिव्यू अगर आप बेबी को ये लोशन कंप्लीट बॉडी पे लगाना चाहते हो तो आई फील इट इज़ आइडियल ड्यूरिंग समर्स विंटर्स में शायद ये थोड़ा सा ड्राई कर सकता है नाउ आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट रिसेंटली मैंने अभी अभी इसे परचेज किया बट इस प्रोडक्ट को मैं ढूँढ रही हूँ काफ़ी टाइम से मतलब छः आठ महीने से मैं इस प्रोडक्ट को ढूँढ रही हूँ कि कहीं ये मुझे मिल जाए बिकॉज़ ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है मतलब अगर बाई चांस स्टॉक में आ गया ना तो थोड़े टाइम में आप देखोगे कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है सो इन केस इफ़ यू हैव थाट कि नो मुझे ये प्रोडक्ट लेना है आ, मुझे ये परचेज करना है यू नो ऑफलाइन नहीं मिल रहा है मतलब मार्केट में नहीं मिल रहा है ऑनलाइन दिख रहा है तो प्लीज़ इसे दो से तीन बॉटल आप ले लीजिए बिकॉज ये कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा दूसरा रीज़न क्यों मैं दो से तीन बॉटल बोल रही हूँ ये मैं आपको बाद में बोलूँगी बट uh, इसके मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया बट सीन द रिजल्ट्स ऑफ दिस क्रीम ना मेरी डॉटर को आ, क्या होता है कि जब भी मच्छर काटते हैं ना तो ऐसे छोटे छोटे बम्स नहीं होते इतने बड़े बड़े बम्स हो जाते हैं मैं एग्जैगरेट करके नहीं बता सीरियसली इतने बड़े बम्स हो जाते हैं लाल हो जाते हैं हफ्ता दस दिन लग जाता है उसे ठीक होने में और पूरे टाइम वो उसे यू नो स्क्रैच करती रहती है खुजाती रहती है नींद में रात को भी उसे खुजाती रहती है सींग हर इन दैट स्टेट इज रियली हॉरेबल मतलब वो पूरे टाइम उसे इचिंग होता रहता है उसके बाद जब वो ठीक भी हो जाए तो वहाँ पर एक काला सा धब्बा भी पड़ जाता है आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट आई हैव सीन की uh, उसे इचिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाता है येस यू हैव टू यूज इट फॉर थ्री टू फोर टाइम्स मतलब यू नो एटलीस्ट तीन बार आपको यूज़ करना पड़ेगा सोने के पहले नहाने के बाद बीच में एक बार आपको ये लगाना पड़ेगा एंड आइव सीन कि जैसे ही मैंने बेबी को मतलब मेरी बेबी को मैंने लगाया वो पूरे रात बिना इचिंग के आराम से सो जाती है येस yes, ये सिर्फ लगाने से यू नो मॉस्किटो बाइट या एंड बाइट ट्रीट नहीं होगा इसके अलावा आपको आफ्टर बाइट लोशन क्रीम जेल जो भी है वो आपको लगाना पड़ेगा सब कुछ वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा बट ये आप लगाओगे तो इचिंग जो है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देगा साथ ही कोई दाग है कोई निशान है कोई मार्क अगर है तो वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा जैसे जैसे आप यूज़ करोगे वो वैसे वैसे लाइट होता जाएगा तो ये लोशन मैं मेरी डॉटर को पूरे बॉडी में नहीं लगाती हूँ बट येस ऑन दी एफेक्टेड एरिया मैं उसे लगाती हूँ अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो प्राइस जो है इसका है वन सेवेंटी फाइव रुपीज़ एम फॉर हंड्रेड एम और ये इसका यू you नो know, एक ही पैक है 100 एम का ही पैक है इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप यू you नो know, ले रहे हो तो दो से तीन बॉटल लो क्योंकि ये सिर्फ 100 एम के पैक में ही आता है तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा है या आप इसे एज अ बॉडी लोशन यूज़ करना चाहते हैं ड्यूरिंग समर्स तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपको तीन से यू you नो know, चार बॉटल शायद लग जाए अगर आप फुल बॉडी में लगा रहे हो सो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर खरीद रहे हो एटलीस्ट दो बॉटल तो ले ही लो सो दीज वर माई थ्री फेवरेट प्रोडक्ट्स आप जब भी इसे ऑनलाइन ख़रीदोगे तो आपको ऑब्वियसली ये डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा मैं यहाँ पर एम आर पी प्राइस बता रही हूँ बट आपको अलग अलग साइट्स में अगर आप चेकआउट करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट में ये मिल जाएगा सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो पसंद आई हो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अगेन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट एक्सपीरियंस हैव अ ग्रेट डे ग्रेटेस्ट सूस उन बाय